कहाँ से आई हो आप लोग? नैनीताल से। कितनी बार मरोना धाम आ चुकी? पांचवी बार आई हुई है। पांच बार आप मरोना धाम आ चुकी हो, तो मतलब क्या कोई बाबा की कृपा हुई है आपके साथ? हाँ जी, बाबा हुई है, बाबा की कृपा। थोड़ा सा बताएं क्या प्यार मिला है मरोना धाम का? बहुत ज्यादा मिला है। हमने जब एक साल पहले हम आए थे तो मेरे बच्चे ने जिद करी थी, हाँ, कि मैं अपनी भांजी की सगाई के लिए आई थी, उसने जिद करी थी, मम्मी मनोना धाम चलो, ट्रेन में कोई आ रहे थे, तो मैंने बाबा से अपनी मनोकामना मांगी थी, मेरे पति ठेकेदार बन जाएंगे। हाँ, मन में मैंने कहा बाबा बुलाएंगे हमें, ठेकेदार बन जाएंगे तो हम आएंगे यहाँ। फिर दोबारा बार हम दिल्ली जा रहे थे, मैं यही दौरन द्वार से निकल के गई, मेरे बच्चे ने कहा, मैंने कहा बाबा बुलाएंगे हम पूरे परिवार के साथ आएंगे। आज मेरे पति ठेकेदार हैं, हाँ, और मैं खुश हूँ, और मेरे पति सही भी हो गए, मैं भी, मेरे दोनों गुर्दे सुकड़ गए थे, खून 4 पॉइंट रह गया था, मैं यहाँ आई, मैं सही हो गई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे बरेली में भी और वहाँ भी हल्द्वानी में भी। तो कितना पैसा लगा दिया आपने इलाज में? काफी पैसा लगा दिया भैया, बता नहीं सकते, मगर यहाँ आके हम सही हो गए। बहुत, हाँ, मेरे पति को भी लीवर किडनी में दिक्कत थी, अब वो भी सही है। जी जी, हाँ। तो मतलब क्या कहना चाहोगे आप मनो? अच्छा, हाँ, हर वीडियो हम सुबह ही देख लेते हैं, शाम को भी जब मुझे टाइम होता है हम वीडियो फट देखते हैं, 5 मिनट वीडियो आती है, हम 5 मिनट बाद देख लेते हैं। जी जी, कैसी लगती है वीडियो? बढ़िया लगती है। क्या कहना चाहोगे मनोना धाम के लिए? इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, ये मनोना धाम एक जीवन धाम है भैया, जीवन धाम। महंत महाराज जी आज लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं, बाबा श्री श्याम का आशीर्वाद और महंत जी की कृपा से सभी लोग सही हो रहे हैं, तो महंत जी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी है कि जिस किसी को परेशानी है यहाँ आए, अपने दुख दर्द दूर करें, बाबा कृपा पाए उनकी। चमत्कार हुआ बाबा का? हाँ हुआ। क्या कहना चाहोगे गुड़िया? बोलो जय मनोना धाम। बोलो जय मनोना धाम। खुश हो मनोना धाम से? हाँ। कौन है आपकी मम्मी? थी मम्मी। तो मम्मी को इतना बड़ा लाभ हुआ, पापा ठेकेदार हो गए, तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया। मनोना धाम, जय मनोना धाम। 15-16 साल मैंने इंतजार करा था इस बात के लिए कि हमारे पति कब बनेंगे, हुनर था उनके पास, मगर दिहाड़ी में ही करते थे, आज वो हो गए ठेकेदार हो गए, हम यहाँ आए। बहुत बढ़िया। मैंने ट्रेन में ही मन्नत मांगी थी, बैठ के ट्रेन में, यहाँ आई नहीं थी जी। हाँ, वहाँ दूसरा साइड आई थी कहीं, तो मैंने ट्रेन में ही मन्नत मांगी थी, किसी को देख के, जैसे किसी के गले में थे, उनको देख के ही मैंने मन्नत मांगी थी बाबा। लॉकेट पड़ा हुआ था मनोना धाम, लॉकेट से ही मैंने मन्नत मांगी थी। बहुत बढ़िया। तो मतलब उस समय आप यहाँ पर एक बार भी नहीं आए थे? नहीं आए थे जी, जी, जी। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है, आने से पहले बाबा ने मनोकामना पूरी करी मेरी। बहुत बढ़िया। तो जब मनोकामना आपकी पूर्ण हुई, उसके बाद धन्यवाद देने आई हुआ है? धन्यवाद देने मैं 5वीं बार, मेरी तो जब तक, हाँ, जब तक जिंदगी रहेगी, अब दोबारा आऊंगी मैं पैदल चल के, उसके बाद मैं जिंदगी जब तक रहेगी मैं दंडवत यात्रा ही लगा के आऊंगी, जब तक जीवन रहेगा मेरा। हमारी मम्मी का हाथ गिर गई थी गुरु में, उनका हाथ वो हो गया था, वो हाथ भी उठने लग गया। अच्छा। हाथ उठने लग गया, हाथ ऐसे नहीं उठता था, वो उठने लग गया। अच्छा। हाँ, इस बार मेरी बहन नहीं आई है, बहनों की भैंसे खो गई थी, नहीं मिलने वाली थी, वो भी मिल गई, उनकी 4 भैंस चले गई थी, उनने बाबा से बोला हाथ जोड़ के दूर से, बाबा मेरी भैंस मिल जाए, हाँ, और मैं घर पहुंचने से पहले तो मिल गए। मिल गए। की लड़की की आंख भी सही नहीं रहती, यहाँ पर आने से उसकी आंख भी सही खराब थी। तो डॉक्टरों को दिखाया था आँखों? हाँ, डॉक्टर दिखाया था, आंखें सही नहीं हुई थी, अब यहाँ आए हैं तब से आंखों में बहुत फायदा है। बहुत बढ़िया, मतलब पूरा प्यार मिला है मनोना धाम। बहुत सुंदर। और आप कहाँ से आई हो? ये हमारी भांजी, हम साथ में आए हल्द्वानी से। अच्छा, आप भी साथ में? नैनीताल जिले में। 25-30 जने आते हैं। कितनी बार आ गए मनोना धाम? हम भी 4 बार आए गए। 4 बार आए? 4 बार आए। क्या प्यार मिलता है मनोना धाम का? बहुत मिलता है, खाटू श्याम का आशीर्वाद बहुत है, सब कमाल वाली बात है। हमारी मम्मी है, इनका हाथ नहीं उठता था। अच्छा अच्छा, इनका है? हाँ, इनका हाथ। जय श्री श्याम। क्या परेशानी थी आपको? हाथ में दर्द है, उठाता नहीं है मेरा हाथ, हाथ नहीं उठता था। हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद क्या लाभ हुआ आपको? थोड़ा हल्का हुआ दर्द। अच्छा, तो मतलब प्यार मिल गया बाबा का। बहुत बढ़िया। तो आते रहेंगे आप लोग मनोना धाम? क्या था? अच्छा, आँखों में प्रॉब्लम? हाँ, आँखों में इसमें है, थोड़ा फायदा है आँखों में। सही है आप? हाँ, सही है। क्या बात है। तो मतलब पूरे परिवार को प्यार मिला है कि नहीं? बोला हारे के सहारे के, श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, महन जी महाराज के। एक बात का ध्यान रखे, कोई भी पटेदार भाई कोई किसी भी सिफारिश लेके नहीं आएगा। हमारे सेवादारी समस्या हल करेंगे, आप समस्या हल करेंगे। कल एक सेवादार हमारे सेवादार को
अगर सेवा दास से आप उल्टे सूटे बोलेंगे तो मैम जी से हम शिकायत करेंगे आपकी। जय श्री श्याम। है कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए। जी जी। कितनी बार मरुणाधाम आ चुके? फर्स्ट टाइम आए। क्या समस्या लेकर आई हो मरुणाधाम? बेटे को क्या कहते हैं पैरालाइज है और इसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, बोलना और खाना बंद कर दिया। कितनी बार मतलब आपने दिखाया, कहीं डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, ऑपरेशन हुआ इसका मैक्स में, साकेत में, साकेत मैक्स में इसका ऑपरेशन हुआ माइंड का। जी जी। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया, मतलब कुल मिला के बताओ? डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मनोन्ना धाम जाते हैं तो क्या कहते क्या पता भगवान साइंस को भी फेल कर दे, इसलिए हम आए। तो डॉक्टरों से मतलब अभी जैसे आप चाह रहे हो वैसे लाभ हो पा रहा है या नहीं? उन्होंने जान तो बचा दी है इसकी। अच्छा अच्छा। क्रिटिकल कंडीशन से तो ले आए हैं बाहर, मगर इसके जो हाथ पैर नहीं चल रहे, बोल नहीं रहा, खा नहीं रहा, ये है परेशानी जिस वजह से मैं मनोन्ना धाम आई। यहाँ मनोन्ना धाम के बारे में किसने बताया था आपको? हम लोग किसी ने नहीं बताया था, हमने ना रील देखी थी फेसबुक पे। अच्छा अच्छा अच्छा। सोशल मीडिया से? हाँ जी, सोशल मीडिया से। जी जी जी। तो पूरा मतलब उम्मीद आस लेकर आई हूँ मरुणा धाम? हाँ जी, पूरी उससे आई हूँ कि मेरा बच्चा ठीक होगा जरूर। चिंता ना करो, एक बार बोल दो हारे के सहारे के श्याम प्यारे के मरुणा धाम की। जय श्री श्याम। कहाँ से आई हूँ जी आप? है जी नहीं जी, आप बताओ कहाँ से आई हो आप? जौनपुर। बदलापुर पड़ाव पर। कितनी बार आ चुकी मरुणा धाम? पहली बार आ है। क्या समस्या लेकर आई हो? हाथ पैर ना उठा था उनके, इनसे जैसे कहा था कि कैंसर करे बताओ थे, कैंसर चल जैसे कैंसर का समस्या है। हाँ। कौन है आपकी? इनके मम्मी है, उनका दुलहन है, मम्मी है उनका दुलहन है, गरही ना मम्मी। कहाँ से आई हो आप? जौनपुर से। जौनपुर से आई? हाँ जी जी जी। तो कैसे जानकारी हुई थी आपको मरुणा धाम की? मोबाइल से, वीडियो मोबाइल से देखा। हाँ। कोई बात नहीं, आपने टोकन ले लिया है? हाँ। टोकन मिल गया? हाँ, लाइन में लगे। हाँ, में टोकन मिलेगा उधर, ठीक है। जय श्री श्याम। हाँ, चिंता ना करो, आप टोकन टोकन से वहाँ पर बता देना, टोकन मिल जाएगा। जय श्री भैया। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आ भैया? अलूपगढ़ से, राजस्थान। कितनी राजस्थान से आए? कितनी बार आ चुके मरुणा धाम? पर पहली बार आए। पहली बार आए। क्या समस्या लेकर आए आप? हमारा मरीज। क्या दिक्कत है? पीलिया और कैंसर। जी जी। तो आप भैया कैसे जानकारी हुई थी आपको मरुणा धाम के बारे में? फेसबुक पर देखा। यूट्यूब से देखा। जी जी। डॉक्टरों ने अभी मतलब क्या बताया है कुल मिला? डॉक्टरों ने तो बाबा के आश्रय पर आए, हार के यहाँ आए, हार कर आए जिंदगी। जी जी। कितना भरोसा लेकर आया भैया? पूरा 100%। जी जी। टोकन ले लिया है आप? टोकन आप ले लो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। टोकन लेने के बाद वहाँ पर बैठा देना, मेहंदी आ जाएगी। हाँ, जो स्टील की रेलिंग है। हाँ, बोल दो हारे के सहारे के श्याम प्यारे के। जय श्री श्याम। क्या समस्या लेकर आई हूँ? मेरी किडनी खराब, किडनियाँ खराब है। किडनी खराब? कहाँ से आई हो आप? बस जयपुर से। जयपुर से। कितनी बार आ गई मरुणा धाम? आज पहली बार आई हो। कैसे जानकारी हुई थी यहाँ के बारे में? मैंने यूट्यूब पे देखा था। कितना भरोसा लेकर आई हो आज? पूरा भरोसा। बोलो हारे के सहारे के श्याम प्यारे के। आप लोग भैया कहाँ कहाँ से आए बताओ थोड़ा? रायबली से। जी। कितनी बार मरुणा धाम आए? दो बार। जी जी। क्या कोई समस्या लेकर आए हो दर्शन के लिए? जी हाँ, एक है पेशेंट है, उसका पैर विकलांग है, वही आया है, बोल नहीं पाते हैं, हम गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी गाड़ी है आपकी? अर्टिगा। अच्छा अच्छा। जी जी। टोकन ले लिया आप? अरे चल लेता है तो ऐसे में। जय श्री श्याम। क्या परेशानी इनको? क्या परेशानी? कहाँ से आ? एक मिनट, उधर से आ रहा हूँ। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आ भैया? जौनपुर। जी जी। क्या परेशानी लेकर आए हो? कैंसर हुआ
जी जी कितनी बार आ गए मनोनंद हम? अभी पहली बार आए हैं। जी जी डॉक्टरों ने क्या बताया, कैंसर किस स्टेज पर ही बताया? कैंसर पहला स्टेज पे है, सिकैया हुआ है, अभी कीमो नहीं चढ़ा है। कीमो नहीं चढ़ा है? जी जी बहुत परेशान है। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। मतलब कैसे जानकारी हुई थी यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में मोबाइल से मैसेज सब गया। टोकन ले लिया आपने? टोकन गए लेने। जी 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 पूरा भरोसा लेकर आई हूँ? हाँ भरोसा लेकर आए हैं। हार कर आई हूँ सब जगह से? हाँ। बोल दो हारे के सहारे के सहारा दे बाबा। जी जी मतलब ये बताओ डॉक्टर ने कुछ बताया इनके लिए? अभी डॉक्टर लिए अभी कोई कीमो चढ़ाने को बोला है। अच्छा अच्छा। हाँ तो यहाँ पर लोगों ने बताया जैसा आपने देखा था या सुना था वैसा भरोसा लेकर आई बाबा करेंगे? भरोसा लेकर आए बाबा, भरोसा करें, चिंता ना सहारा करें। बिल्कुल हार कर आई तो जीत के जाऊंगी, चिंता ना करो। बोल दो हारे के सहारे के श्याम प्यारे, चिंता ना करो। जय श्री श्याम। क्या परेशानी है आपको? गुर्दों में दिक्कत है दोनों में। अच्छा अच्छा दोनों गुर्दे खत्म है, दोनों किडनी खत्म है। किडनी में प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा। कितनी बार आ गए मनोनंद हम? आज पहली बार आए। कैसे जानकारी हुई थी यहाँ के बारे में? पता लगा था हरिद्वार से आए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो टोकन ले लिया आपने? लड़का लाइन में लग रहा है, मेरे बच्चे लाइन जाता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आई हो आप? हम घुरी पट्टी से। जी क्या समस्या लेकर आई हो? हमारा मरीज बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा। क्या हो गया इनको? इनके पेट में गांठ है। जी जी जी। तो यहाँ पहली बार आई उन्होंने? दूसरी बार आई। दूसरी बार? पहली बार में जल्दी आया था मैं, महंत जी मिले नहीं थे। तो मिले नहीं। कैसे जानकारी हुई थी यहाँ के बारे में? टीवी मोबाइल पे देखा था। पूरा भरोसा लेकर आई हो? हाँ। टोकन ले लिया आप? हाँ टोकन लेने गए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। ये भैया काय की लाइन लगी हुई है? भैया ये टोकन की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सभी भक्त श्याम प्रेमी टोकन के लिए लगे हुए हैं, इमरजेंसी में मरीजों को दिखाने के लिए। यस यस मरीजों को दिखाने के लिए। तो बहुत लंबी लाइन लगी यार, कितना समय हो गया आपको लगे हुए? भैया हम यहाँ से 6 बजे से लगे हुए लाइन में। फोन निकाल लिया, ऐसे चोर भी बस रहे हैं के। अब ये तो देखो क्या कहो, ये तो हम ही आप, हम और आप ही हैं। सही है, किसकी नियत क्या खराब हो जाए? क्या एक बार बाबा से रिक्वेस्ट करवाएं कि इस तरीके की वैसे इलाज करा दिया था, सुबह इलाज करा तो भैया कितना समय हो गया लाइन में लगे? हमें 2 घंटे लगे, 2 घंटे हो गए, 6 बजे से लगे। मतलब टोकन लेने के बाद ही मरीजों को दिखाया? हाँ जो सीरियस मरीज है उनको टोकन लेने के बाद ही दिखाया है। कहाँ से आए वैसे आप लोग? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। पहली बार आए? हाँ पहली बार आया। कैसे लग रहा था? हम हमारे गाड़ी है, अपनी गाड़ी से आए। जय श्री श्याम। कहाँ से आई बहन जी? सर मैं रुड़की से आई हूँ। कितनी बार प्रॉब्लम आ गई? एक ही पहले, फर्स्ट टाइम है। कैसे जानकारी हुई थी यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में टीचरों से जानकारी हुई थी। आपका यूट्यूब चैनल भी देखा? नहीं टीचरों से भी जानकारी हुई थी। कैसा लग रहा है उन्होंने पहले तो बता? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन है कल का, तो रक्षाबंधन पे बाबा को राखी लेके आई हूँ। बिल्कुल बांधे के बाबा, हम तो हर साल बाबा को राखी बांधते हैं। सारे के मेरी बेटी का पक्का भाई यही है। अच्छा एक ही बेटी है मेरे, उसका भाई पहला यही है। वो तो हमेशा बोलते रखती है उसको उठा के, यही है मेरा भाई।
बहुत बढ़िया, पूरा प्यार मिलता है, पूरा प्यार मिलता है। हमारा चैनल है अलंकार तोमर ऑफिशियल। पचास रुपए का दान है, छोटा सा बच्चा बाबा के मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहा है, बाबा शाम का आशीर्वाद बच्चे को मना रहे, बाबा इसका भविष्य उज्जवल बनाए, इसके घर में खुशियां लाए, बाबा के आशीर्वाद से इसके जीवन को दर्शनाए। जय श्री श्याम, जय मनोराम, जय श्री भरत। कहाँ से आए भैया आप लोग? सीतापुर से। सीतापुर से पहली बार आए? पहली बार आए। कैसा लग रहा है वरुण धाम? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आये? हिमर केड़ी। पहली बार ना? दूसरा के। कोई वरुण धाम का प्यार मिला है? मिला है, तभी तो आए यहाँ पे हम। अच्छा, चलो बताओ कोई कृपा हुई है तो? हुई है तभी तो, ऐसे तो हम हर महीने के महीने आते, कई बार आते हैं। जय श्री श्याम, बोला हरे के सहारे के। जय श्री श्याम।